गोरखपुर चोरी चोरा में शहीद किसानों को दी गई शहादत। इस अवसर पर ग्राम प्रधान छेवेला गुलाब यादव ने बताया कि 1958 से 1959 के करीब किसानों को गोलियों से भून दिया गया था। किस तरह की जो है शहादत दिवस है आज, क्या है? यह गन्ना मूल्य बढ़ाने के लिए जो है कि एक आंदोलन हुआ था 1958-59 में, और यहाँ जो अपार भीड़ इकट्ठा हुई थी उसमें जो है कि ये सरदार मजीठिया का यहाँ ट्रेन ट्राम्बे लाइन चलती थी जिससे गन्ने की ढुलाई होती थी। यहाँ से कुशीनगर तक का गन्ने का जो है ढुलाई जो है कि उनके ट्रेन से के माध्यम से होता था। तो वही जो है गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिए यह जनता जो है आंदोलित थी कि 25 पैसे क्विंटल गन्ने का मूल्य जो है बढ़ा दिया जाए, जिसके द्वारा मतलब कुछ राहत मिलेगी किसानों को। लेकिन वह भी जो है कि नो करते हुए वह लोग जो है कि आम जनता पर गोलियों की बौछार करवा दी, जिसमें 3 लोग शहीद हुए थे, फेकू, चंद्रशेखर और शिवपूजन। अब उन्हीं के याद में हम लोग यहाँ मेले का आयोजन करते हैं जिसमें दंगल करवाया जाता है, मेला लगवाया जाता है, जिससे हमारे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि मिल सके, ताकि हमारे जो आने वाले जो मतलब भविष्य के जो कर्णधार हैं वह जो है कि कम से कम हमें याद तो कर रहे हैं, इस कुर्बानी को याद तो कर रहे हैं, इसलिए जो है उनके यादगार में यह मेला लगवाया जाता है, दंगल करवाया जाता है। जी, तीनों कहाँ कराने वाले हैं? जिनमें कई किसान घायल हुए और 3 की मौत हो गई। किसानों की मांग जो थी 25 पैसे प्रति कुंटल गन्ने दर को बढ़ाया जाए, जिस पर प्रशासन द्वारा गुंजन आंदोलनकारियों को हटाने के लिए उन पर गोलियां बरसाई गईं, जिनमें करीब कई दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हुए, 3 की मौके पर मौत हो गई। वहां के ग्राम प्रधान और समाज सेवी ईश्वर चंद्र जायसवाल द्वारा जो है कुश्ती, दंगल और मेले का आयोजन किया जाता है। ये त्यौहार उस क्षेत्र के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। गोरखपुर से विकास कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट, पी न्यूज। जी, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है, सभी लोग जितने हमारे शहीद हुए थे उनके पक्ष में याद की जाती है, तो ये दंगल कराए जाते हैं। तो हम लोग क्योंकि स्थानीय है, यहाँ किसानों के शहादत के श्रद्धांजलि के रूप में हम लोग यहाँ उपस्थित होते हैं और इनके यादगार करते हैं।